नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज। बीते कुछ दिनों पहले हल्द्वानी में देर रात फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से नैनीताल के एसएसपी पंकज भट्ट द्वारा पुलिस विभाग को अपने अपने क्षेत्र में रात्रि गश्त को बढ़ाने और सख्ताई बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। चेकिंग के दौरान क्षेत्र में पाए जाने वाले संदिग्धों और अपराधी किस्म के तत्वों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी के चलते कल देर रात हल्द्वानी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में उप निरीक्षक संजीव राठौर, हेड कांस्टेबल अशोक जोशी, कांस्टेबल मोहम्मद अजहर और कांस्टेबल मुजम्मिल की गठित पुलिस टीम द्वारा तिकोनिया चौराहा हल्द्वानी पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसकी पहचान घनश्याम सुयाल के रूप में हुई है, उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कटघरिया का निवासी है, जिसकी उम्र 41 साल है। बता दें कि अभियुक्त तेज रफ्तार से अपने वाहन को लेकर आ रहा था, जिसको संदिग्ध पाते हुए पुलिस ने उसे रुकवाया और गाड़ी की तलाशी ली। चेकिंग में घनश्याम के कब्जे से 315 बोर अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जिसके बाद उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसके पास से 65,200 रुपये नकदी भी बरामद की गई। गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। तो ये थी हल्द्वानी से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की एक खास रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम खबरों और रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।